आप यहाँ मजदूरी करने आए हो या मतलब राज करने? ना मजदूरी करने आए, यहाँ पे राज करने का हमारा उद्देश्य था, वहाँ पड़ा आदमी बताऊँ, मजदूरी करने के लिए आया था, चार पैसे बचाने। हमें 10 साल हो गई। 10 साल में कितने पंजाबियों से लड़े हो? कभी नहीं लड़े हैं हम। सरदार को पीटा तो नहीं? नहीं, हम कहाँ पे इतने कहाँ हैं, हम छोटे से तो हम वैसे हैं। आप कब से आ रहे हो यहाँ? करीब 30 साल का बच्चा हो गया मेरा, तब से आ रहा हूँ। तब से आ रहे हो, 30 साल से आ रहे हो? हाँ। कितने पंजाबियों को पीटा आपने? हमने नहीं पीटा है, नहीं पिटे है, ईमानदारी से काम किया है। अरे पंजाब पे राज कैसे कर लेंगे, हमारी यूपी बहुत बड़ी है राज करने के लिए। पंजाब, पंजाब से बड़ी है हमारी यूपी, पंजाब तो इतने हिस्से में आ जाएगा ये कौन में। हम जो जुआकों को छोटे जुआको लेके आते हैं, गुंडागर्दी करने आते हैं, काम कमाई करने के लिए आते हैं। किन्नी गुंडागर्दी करते हैं? गुंडागर्दी तो वेखो जी, मेहनत करते गए, असी तो कदे देखे नहीं कोई गुंडागर्दी कर। अरे भाई लड़े हैं क्या, पेट पालने आ जाते हैं, वो देश की सरकार सुनती नहीं है, पंजाब की सरकार सुन लेती है। इधर काम चल रहा है। हाँ। तुम कितने साल से आ रहे हो? हम 8-10 साल है। 8-10 साल है। 8-10 साल में कितने पंजाबियों से लड़े हो? नहीं, एक 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 भी किसी से लड़े है लड़ने का? नहीं। था मजदूर धरने पर बैठे है, ਭੱਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 870 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 1000 ਰੇਟ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਪਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 595 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ? 593 ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? 870। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ? 170 रुपया मिट्टी के कटा रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब वो काट रहे हैं 270 का। ओके, तो फिर आपको पूरा नहीं दे रहे? पूरा नहीं दे रहे हैं। पिछले साल 170 काटे हैं, इस साल 270 काट रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं। अब हम मजदूर आदमी हैं, बाहर के हैं, तो हमारी सुनवाई होना चाहिए। सुनवाई होना चाहिए। हाँ। आप कितने भट्टों पर काम करते हो सभी? हम 4-5 भट्टा वाले आदमी हैं। ये यहाँ बैठे? हाँ, सारे बैठे हैं। आपकी मांग है कि आपको जो है वो रेट है वो जो 870 है वो मिले। 870 में कटौती जो कटना है ईमानदारी की वो काट लें। 170 रुपए काटे हैं। गारा बन दिया उन्होंने, वो उदा रेट ये 270 कटिया नहीं होना, 700 मिलना चाहिए। 700 का 170 काट के 700 मिल जाना। हाँ, वो दे रहे हैं आप कुछ 595। 595 दे रहे हैं हमको, दे रहे हैं। हाँ। और एक बात और चली हुई है, आपको पता है कि जो प्रवासी मजदूरों के पर सोशल मीडिया पे चल रही है कि ये लोग पंजाब में बहुत गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप कर रहे हो? हम काय को करेंगे, कमाने खाने आते हैं हम लोग। हाँ। पथेरे हैं हम लोग, कमाने गुंडागर्दी कर लेंगे। हम जो जुआकों को छोटे जुआको लेके आते हैं, गुंडागर्दी करने आते हैं, काम कमाई करने के लिए आते हैं। हाँ, बच्चे हैं जी वाली। आप यहाँ मजदूरी करने आए हो या मतलब राज करने? ना मजदूरी करने आए, यहाँ पे राज करने का हमारा उद्देश्य था, वहाँ पड़ा आदमी बताऊँ, मजदूरी करने के लिए आया था, चार पैसे बचाने। पास कर रहे हैं हम, कमा। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं कि ये तो पंजाब पे राज करेंगे एक दिन। अरे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। करीब 40 साल से यहाँ पंजाब में हमारे यूपी की लेबर आ रही है। ठीक है। हाँ, आपके साथ काम करते हैं? नहीं। हाँ, अपना अपना गुंडागर्दी करते हो? गुंडागर्दी का देखो जिथे इन्हों का दबदबा ये करते हैं, जिथे साडा दबदबा असी करते हैं, दबदबे के सिर पर आ हुण जिथे। हाँ, कोई हुण मेरे वर्गा कोई गलत काम करता है ये भी रोक सकते आ, वो हक आ हर एक। तेरे दबका दुबका बिना गलत मतलब कहन दा, आप दबका मतलब ज्यादा बंदे होंदे दबका मार भी जाते हैं, जे घट हो ज्यादा हो तो बिल्कुल कोई नहीं मारता है दबका। जो अकेला कोई बंदा है उसका तो कह नहीं सकते हैं, जो फैमिली समेत परिवार समेत हर साल आते हैं ये सेठ भट्टे वाले बुलाते हैं हम लोगों को, ईमानदार है उसी वजह से, तो हम लोग काम करते हैं और अपना दाम लेते चले जाते हैं। पर इस साल 270 काट रहे हैं, पिछले साल 170 काटे हैं। अच्छा, एक और बताइए मेरे को, आप कब से आ रहे हो यहाँ? हम करीब यहाँ मेरे बच्चे तो अब क्या बताएं आपको, करीब 30 साल का बच्चा हो गया मेरा, तब से आ रहा हूँ। तब से आ रहे हो? 30 साल से आ रहे हो? हाँ। कितने पंजाबियों को पीटा आपने? हमने नहीं पीटा है, नहीं पिटे है, ईमानदारी से काम किया है। तुम कितने साल से आ रहे हो? हम 8-10 साल है कोई। 8-10 साल है। 8-10 साल में कितने पंजाबियों से लड़े हो? नहीं, एक 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 भी किसी से नहीं लड़े है। लड़ने का मूड? नहीं नहीं नहीं। काम करने? हाँ, काम करते हैं। रोटी खाने आए हो? हाँ, रोटी खाते हैं। बच्चे पालने? हाँ, बस। और ये जो लोग कहते हैं कि ये तो जी राज करेंगे हम पे, ये तो भैया लोग आ गए हैं, बुलाते क्यों हैं ये लोग? तुम बताओ बुलाते क्यों हैं?
हैं बुलाएं नहीं हैं पंजाब ईपी की लेबर ना बुलाएं पंजाबी लोगों से भट्टा चलाएं गुंडागर्दी करते हैं गुंडागर्दी तो देखो जी मेहनत करते असि तो कदम देखे नहीं कोई गुंडागर्दी करते वैसे सुनने च गल आई भी मेहनती लोग मेहनती लोग नहीं नहीं उत्थे काम करते साडे कोल ही करते परिवार पालते वधिया काम करते बिच सुनने च गल आई भी बहुत थां ते हुई भी जांदी सारे जगह ते आओ ते कई जगह अपने बंदे भी कर दिंदे होणगे हां हां वो तो फिर ताड़ी दा इक हाथ नहीं वजदी दो तुम इनके बच्चे हो सब हां हां बच्चे हो जी तो नहीं गुंडागर्दी करनी नहीं नहीं तुम कब से आ रहे हो हमें 10 साल हो गई तो 10 साल में कितने पंजाबियों से लड़े हो कभी नहीं लड़े हैं हम सरदार को पीटा तो नहीं नहीं हम कहाँ पे इतने कहाँ हैं हम छोटे से तो हम वैसे हैं कोई मूड तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है वो बोल रहे हैं कि पंजाब पे राज करेंगे ये लोग नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम भी भाई इनके साथ ही हो भाई हाँ हम भी साथ तो यंग हो हाँ तुमने तो कभी किसी ने लड़ाई नहीं की नहीं मैंने कभी नहीं की ऐसा है कि पंजाब पे राज करने का अरे पंजाब पे राज कैसे कर लेंगे हमारी यूपी बहुत बड़ी है राज करने के लिए पंजाब पंजाब से बड़ी है हमारी यूपी पंजाब तो इतने हिस्से में आ जाएगा ये कौन में मुंडा यहीं पैदा हुआ है 3रे नंबर का है यहाँ हम गुंडागर्दी करने नहीं आते हैं अपने कमाने खाने आते हैं हाँ आप अंकल कब से आ रहे हो वो 30 साल हो गए हमको आते साल में तुम तो लड़े नहीं किसी से अरे भाई लड़े हैं क्या पेट पालने आ जाते हैं देश में बहुत कमी पड़ती है ताकि वो देश की सरकार सुनती नहीं है पंजाब की सरकार सुन लेती है इधर काम चल रहा है हाँ और किसी की चीज़ उठाना नहीं चाहते भूख लगती तो मांग के खा लेंगे से मांग के खा लेंगे हाँ चोरी नहीं करेंगे ईमानदारी का खाते मांग मेहनत का मेहनत करेंगे खेत में सब्जी खड़ी है तो सरदार जी हमें सब्जी की जरूरत है थोड़ी दे दो तो देते हैं वो लोग तो प्यार करते हैं हाँ हम लोग कभी नहीं आपको परेशानी देंगे नहीं अपना परेशानी उठाते मिलजुल के रहते हैं सब तो पट्ठा जी मजदूर है उन्होंने मांग ये है कि सानू जो रेट साडा सही किया जाए प्रशासन दे बाहर च बैठे है वो आपके रेट में सही कराने लिए तो इतने असं दूजी गलबात भी की तो मजदूर जोड़ा है वो आपकी रोटी लिए आता है वो मकसद मुख रोटी आपके बच्चे पालने हैं जी सोशल मीडिया के उत्ते गल चल रही है वो सिर्फ हवा की गल है जमीन तो अजिहा कुछ भी नहीं आ लोग जोड़े बैठे है ये तुम भी काम करते हो अपने पापा के साथ के नहीं करते करते हो काम कितना काम कर लेते बच्चे नहीं काम बच्चे नहीं करते ना बड़े बड़े करते बड़े बड़े काम वो साथ में तो ऐसे तो आ जाते होंगे वो तो ऐसे खेलते कूदते रहते हैं चलो ठीक है वैसे काम करवाओगे इनकी मद बड़े होकर करवाओगे चलो बड़े होके तो लिख नहीं पाए पढ़ने का मौका नहीं है पढ़े नहीं है अब कहाँ पढ़े अब मान लो परदेश में पढ़े या भट्टे पे स्कूल है नहीं तो कहाँ पढ़ जाएंगे हाँ रहेंगे बेचारे हाँ अनपढ़ हैं गुजारा करेंगे जवाक तक भी इन्हें जेड़े बेचारे दे अनपढ़ रह गए हैं गल यह है कि आने वाला समा पढ़ाई का असं कहने के राज करेंगे जेड़ा पढ़ ही नहीं सकिया आने वाले समय चो राज किवें करूगा जे साडे च पढ़ाई की कमी है तो असं भी कितना कितने पिछे हटते जाने तो ये तो बेचारे आपदी मजबूरियां कारण पढ़ भी नहीं पाए सो ये रिपोर्टिंग के नाल नाल रिपोर्टिंग का भी जरूरी सी जिहड़ा नैरेटिव सिरजा जा रहा तोड़िया जा सके आपके यहाँ 500 रुपए चलते हैं झाड़ी के हमारे यहाँ 300 रुपए देता और खाना भी नहीं खिलाता है तो आगे कैसे बढ़ जाएंगे हम लोग उसी वजह से झाड़ी अच्छी मिलती है इधर कमा खा जाते हैं मजदूर को तो दिहाड़ी से मतलब झाड़ी से मतलब है और क्या चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद जी ठीक है ठीक है।